Hello friends, welcome to our channel. Please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हमने एनटी नेट दिसंबर 2018 का फर्स्ट पेपर जो था उसके बचे हुए पोर्शन को कवर किया है और इससे पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कवर किए थे जो पार्ट वन में यानी कि पेपर वन में आए थे. तो आपको आज फिर से यही करना है कि पेपर और पेन लेके बैठिए अपने साथ में और जो जो क्वेश्चन हम आपसे पूछते जा रहे हैं उसको सॉल्व अगर करने वाले हैं तो सॉल्व करके उसका आंसर लिखते जाइए, अदरवाइज आप उनका आंसर अपनी कॉपी में लिखते जाइए और लास्ट में आप हमें बताइए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट गए और कितने रॉन्ग गए. तो टोटल आउट ऑफ 10 में से आपको कितना स्कोर आया, ये आपका खुद का इवेल्युएशन है कि आप कितना कर पा रहे हैं इस स्टेज पर जब आपके पास एक केवल 1 मंथ बचा है स्टडी के लिए. तो ये वीडियो हमारा लाइव नहीं है बट आई एम देयर. हम आपके जो भी कमेंट्स हैं जो आप लाइव चैट में कमेंट कर रहे हैं वहाँ पर आपका रिप्लाई कर पाएंगे, हम आपका रिप्लाई उन कमेंट्स के थ्रू ही कर देंगे. तो आपको जो भी डाउट है वहाँ पर भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, इन क्लासरूम कम्युनिकेशन एनालॉजीज आर कंसीडर्ड. जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है उसमें एनालॉजीज जो हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा आप बताइए. देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हिंदी में हमें जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं मिल पाया है, इसलिए हमारे जो क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश में ही हैं पर हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको हिंदी इसकी समझा पाए. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब आप इसका आंसर बताइए अपनी कॉपी में लिखिए. चलिए तो देखते हैं इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, सपोर्टिंग एविडेंसेस. एनालॉजीज क्या होती हैं, जब हम उसमें कुछ जैसे आपने समतुल्यता अगर पढ़ी हो, हिंदी के कुछ स्टूडेंट हैं जिसमें हम कोलन के थ्रू बताते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पर एक एप्पल बना दिया और इधर लिख दिया फ्रूट, ठीक, या एफ लिख दिया उसके लिए और बीच में 2 कोलन होते हैं, और यहाँ पर हमने कोई ऐसा वेजिटेबल बना दिया या कोई मिर्च बना दी और उसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये क्या है, तो आपको यहाँ पर जो आंसर होगा उसमें से देखना होगा. तो यहाँ हमारा आंसर आएगा वेजिटेबल. तो ये इस टाइप की एनालॉजीज होती है, मतलब एग्जाम्पल किसी चीज़ को बताने के लिए जब हम दे रहे हैं. तो यहाँ पर जो हमारे एनालॉजीज है अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें तो वो एक सपोर्टिंग एविडेंस की तरह से काम करेगा. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. क्लासरूम कम्युनिकेशन में इनका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज के साथ में जो भी नई बात हम बता रहे हैं या जो नया एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको जोड़ सकें. तो इसलिए हम एनालॉजीज़ का यूज़ करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में एज अ सपोर्टिंग एविडेंसेस, जिससे कि उनकी प्रायर नॉलेज और न्यू नॉलेज का कनेक्शन बन पाए. आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 17, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव क्रिएटेड अ. जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीज़ें क्या क्रिएट कर रही हैं. फर्स्ट, सोसाइटी ऑफ रिएक्शनरी ओपिनियंस, सोसाइटी ऑफ कंज्यूमेबल्स, सोसाइटी ऑफ नेगेटिविटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग. विच वन इज करेक्ट प्लीज़ बताइए. तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सोसाइटी ऑफ नेटवर्किंग. ये थोड़ा ऑब्वियस टाइप का क्वेश्चन है. देखिए नेगेटिविटी तो नहीं क्रिएट कर रही है ये, बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी हो रही हैं जैसे कि हम लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं हमारी वीडियोज़ के थ्रू, तो ये पॉजिटिव चीज़ है. तो नेगेटिविटी तो क्रिएट नहीं कर रही हैं. कंज्यूमेबल्स केवल कंज्यूम नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट भी हो रही हैं, ठीक है. रिक्रिएशनरी ओपिनियंस केवल ओपिनियंस के बेसिस पे नहीं है, हमें जो प्लेटफॉर्म है वो क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम जो भी एक्टिविटीज़ पहले अपने सोशल नेटवर्क में करते थे यानी कि नॉर्मल जो था विदाउट यूज़ ऑफ इंटरनेट, वो चीज़ें अब हम इंटरनेट के यूज़ से भी कर पा रहे हैं. तो एक नेटवर्किंग या एक तंत्र बन पा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूज़ से. आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ हमें एक अजर्शन दे रखा है और उसका एक रीज़न दे रखा है. अजर्शन ए से शो हो रखा है और रीज़न आर से, और हमें ये बताना है कि अजर्शन सही है या नहीं है, रीज़न ठीक है या नहीं है, और जो रीज़न है वो अजर्शन का सही रीज़न है या नहीं है. इन ऑप्शंस को
इन ऑप्शंस में से अपने अकॉर्डिंग चूज करके। तो असम्पशन इज एम्पैथी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटिंग। तो जो एम्पैथी है यानी कि सहानुभूति वाली बात, वो ज़रूरी है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ अपनी बात, तो मैं कम्युनिकेटर हुई और आप इस बात को सुन रहे हैं तो आप कम्युनिकेटिव हुए। तो हम दोनों के बीच में एक सहानुभूति जो वाला ऑप्शन है वो एसेंशियल है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न है एम्पैथी लिंक्स द टीचर एंड स्टूडेंट। और जो एम्पैथी है यानी कि सहानुभूति, वो टीचर और स्टूडेंट को आपस में लिंक करके रखती है, जोड़ के रखती है। तो इसका आंसर बताइए इन ऑप्शंस में से क्या होगा, 1, 2, 3 या 4 में से। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है 1, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा कि ए आर का करेक्ट ऑप्शन है, पर यहाँ ये ज़रूर दे रखा है आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बट ऐसा कुछ नहीं है, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 ही होगा। अगर ये भी होता कि आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो भी हम 1 ही लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पॉइंटिंग टू अ मैन अभिजीत सेड। अब देखिए यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 25 तक, ये सारे के सारे जो है लॉजिक और रीजनिंग से रिलेटेड है। तो इनको ध्यान से समझ के आंसर दीजिएगा और फटाफट से आंसर देने का ट्राई करिएगा। पॉइंटिंग टू अ मैन अभिजीत सेड, एक आदमी की तरफ अभिजीत पॉइंट करके बताता है, हिज ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, कि उस पर्सन की जो ग्रैंड डॉटर है। इन पर आप देखिए एग्जाम में क्या करें, अब तो ऑनलाइन होता है, तो अपने पास जो भी नोटबुक है उस पर साथ के साथ इसको ड्रॉ करते चलिए कि जो उसकी ग्रैंड डॉटर है इज द ओनली डॉटर, वो केवल इकलौती डॉटर है उसके किसकी, ब्रदर की। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अभिजीत, अब जो वो मैन है वो अभिजीत से कैसे रिलेटेड है आपको ये बताना है। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट फादर है वो उनके, ब्रदर इन लॉ है, अंकल है या ग्रैंडफादर है, आंसर बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर पता करिए और फिर उसको प्ले करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है उसको समझते हैं पहले। ये हमने कोई पर्सन देख लिए, जैसे पॉइंटिंग टू अ मैन, किसी आदमी की तरफ, ये जो हमारे येल्लो से हमने दिखाए हैं ये वो हो गए पर्सन, ठीक है। इनकी तरफ अभिजीत पॉइंट करते हुए कह रहा है, ये अभिजीत हो गया, ऐसे जो हमने शो किया है कि ये जो है इनकी हिज ग्रैंड डॉटर, मतलब इनकी ग्रैंड डॉटर मतलब इनकी एक डॉटर है, या डॉटर या बेटा कुछ भी हो सकता है, और उसका उसकी बेटी यानी कि ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है। तो अब इसका कोई ब्रदर होना चाहिए, वो उसकी ओनली डॉटर है, ठीक। तो ये दोनों तो आपस में भाई हो गए। अब जब ये भाई है, ये इसके फादर है, तो इसके भी इनडायरेक्टली क्या हुए, फादर, सॉरी डायरेक्टली इसके क्या हुए, फादर। तो अभिजीत के ये जो है फादर है, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो होगा ऑप्शन 1, यानी कि वो पर्सन अभिजीत के फादर होंगे। आप इस टाइप से थोड़ा इमेज बना के, कि जैसे हमने सोचा अभिजीत है वो किसी पर्सन की तरफ पॉइंट करके कह रहा है, ये वो पर्सन हो गए, इनकी ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए ग्रैंड डॉटर हो गई एक। अब हमें क्या करना है, ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, तो एक पर्सन और होगा, उसकी ये इकलौती डॉटर है, तो ये पर्सन इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा जो था इमेजनरी गायब हो गया, अब ये दोनों आपस में भाई हो गए। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे लिंक करके बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, इफ डी आई सी ई इज कोडेड एज एफ एल जी जे देन द कोड फॉर बी आई टी ई विल बी। जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए और फटाफट से आंसर देने का ट्राई कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपका ज़्यादा टाइम लेते हैं। चलिए आप पॉज करके वीडियो को देखिए और फिर आंसर सॉल्व करिए, फिर इसको प्ले करिएगा। हम देखते हैं इसका आंसर है करेक्ट, उससे पहले इसको समझते हैं। देखिए डी आई सी ई और एफ एल जी जेड हमें ऐसे करके लिख लिया, डी से एफ तक बढ़े तो दो अंकों का अंतर है, डी ई और उसके बाद में डायरेक्ट एफ।
आई किसके बाद में देखा जाए, जे और के, तो यहाँ पर भी हमारा कितने तीन हो गए, जे के एल थर्ड टर्म है, मतलब ये हमारा सेकंड टर्म है आफ्टर डी, ये हमारा फिर हो जाएगा फोर्थ टर्म आफ्टर सी, ठीक है। सी के बाद में डी ई और एंड एफ, ये तीन टर्म आ जाते हैं। ई के बाद में हमारा फिफ्थ टर्म होगा जे। तो यहाँ पर देखिए जो सीरीज है वो लगातार सेम है, सभी में जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 2 3 4 5, मतलब एक 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 इंक्रीज होता हुआ आ रहा है। तो बी आई टी का अगर हम देखें तो उसमें भी सेम प्रोसेस रहना चाहिए। तो बी के बाद में दो अंक जो अगर होंगे तो ए बी सी और डी, तो अगला हमारा होगा डी। ऐसे ही आई के बाद में थ्री टर्म्स, थर्ड टर्म होगा एल, टी के बाद में फोर्थ टर्म होगा एक्स, एंड ई के बाद में फिफ्थ टर्म होगा जे। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम इसका प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। वैसे ये इतने डिफिकल्ट नहीं है, आजकल सभी एग्जाम्स में आते हैं, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, डी एल एक्स जेड। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पर हमें चार शब्द दे रखे हैं, उनमें से जो अलग शब्द है आपको वो बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें से अलग है। दिस इज रियली टू इजी क्वेश्चन, तो जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा प्लास्टिक, क्योंकि देखिए वूल ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, पेपर भी हमें पेड़ों से मिलता है, जूट हमें नारियल की जटाओं से मिलती है, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये हमारे नेचुरल चीज़ों से हम बनाते हैं। बट जो प्लास्टिक है ये हमारा सिंथेटिक फाइबर है, बाकी सारी हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, तो इसलिए प्लास्टिक इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी में से ऑड है या अलग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 24, द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज के बी जे एच आई एम एच क्यू जी टी, इसके बाद का टर्म क्या होगा? ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ई वाई होगा, ई यू होगा, एफ यू होगा और एफ बी होगा। अब इसमें से बताइए विच वन इज करेक्ट। कॉपी पे जल्दी से डायग्राम बनाइए और फिर बताइए ये क्या होगा। ऐसे करके आपको दूर दूर लिख लेना होता है और फिर उसमें रिलेशन देखना होता है कि इन सभी के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। चलिए तो आगे समझते हैं इसको कैसे आएगा इसका आंसर। देखिए के जे आई एच एन जी, ये जो लगातार के टर्म हमने यहाँ पर अभी उनके बीच में ये लूप बनाया है, तो इनके बीच में देखिए डिफरेंस कितना है। के से अगर जे तक बढ़े तो -1 का डिफरेंस है, जे से एम तो -1, मतलब उल्टा समझते हैं, जी के बाद आएगा एच आई जे एंड के, तो यानी कि 1 1 के गैप में ही कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जी से पहले का जो टर्म होगा वो होगा हमारा क्या होगा, जी से पहले का टर्म एफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। और अब उसके दूसरे टर्म की बात करते हैं, बी एच एम क्यू एन टी, इनके बीच में क्या रिलेशन है? देखिए बी से एच की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो सिक्स्थ टर्म है हमारा, एच से एम की तरफ जाए तो फिफ्थ टर्म है, एम से क्यू की तरफ जाए तो फोर्थ टर्म है। इसको आपको ज़्यादा कॉपी पे भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम के टाइम पे आप अपने फिंगर्स पे गिन के भी देख सकते हैं, तो बहुत इजी रहेगा। ऐसे ही क्यू से टी की तरफ जाए तो ये हमारे थर्ड टर्म है, तो अब जो होना चाहिए वो होना चाहिए सेकेंड टर्म। तो टी के बाद का सेकेंड टर्म कौन सा है? यू एंड वी, ठीक है। यू हमारा फर्स्ट टर्म एंड वी, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए एफ वी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 7 11 19 35 67 इज, ऑप्शंस हैं इसके 121, 131, 133 और 99। इसको भी आप जल्दी से सॉल्व करके देखिए, इसमें रिलेशन देखिए क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना सॉल्व करिए एंड देन अगेन आंसर देखिए, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए हमें पूरा समझना पड़ेगा इसको। 7 से 11 गए तो 4 का डिफरेंस था, 11 से 19 की तरफ गए तो 8 का डिफरेंस था, 35 में से 19 माइनस किया 16, 67 में से 35 माइनस किया 32। अब देखो यहाँ तो कोई सीरीज बन नहीं रही थी, इनमें तो कोई कंटिन्यूएशन था नहीं, बट यहाँ पर हमें आप एक कंटिन्यूएशन या एक कुछ पैटर्न सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको उस पैटर्न को फाइंड आउट करना है। 4 8 16 32, ये ऐसा लग रहा है सभी 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा
62 सा 32, यानी कि ऐसे करके भी समझ सकते हैं कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है, तो यहाँ पर आना चाहिए 2 की पावर 6, उसको इसमें ऐड कर देना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8, फिर 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई किया 32। तो उस टाइम पे आपका माइंड किस तरीके से चल जाए ये आप पर डिपेंड करता है, बट आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, दिस इज मेन थिंग। तो अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आगे 64, या फिर ये भी हो सकता है कि 2 की पावर 6 यानी कि 64। तो अब से इस 64 को हमें 67 में ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, दैट इज 131। तो करेक्ट आंसर है 131। आई होप आप लोग का ये आंसर सही गया होगा। तो देखिए हमने अभी तक 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 25 में से 5 अगर माइनस कर दिए जाए, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन थे 5, वो हमने छोड़ दिए हैं, बाकी सब हम कवर करने का ट्राई किया है अभी तक। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और आपके स्कोर्स भी अच्छे आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं आप दोबारा दोबारा इन वीडियोस को देखिए और मेहनत करिए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम तक आपकी ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू ये क्वेश्चंस आपकी वो पूरी दूर हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू हो पाए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।